ईआरपी के लिए इशू करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मतलब कि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका 6 मंथ से कम वीजा है। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, सारा कुछ आपने कैश वगैरह सब कुछ टाइम से प्रोवाइड कर रखा है। बट आप यूके के अंदर आए हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें से एक सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे है बीआरपी मिस करेक्शन की। बीआरपी में बहुत बड़ी मिस करेक्शन हो रही हैं। ये भाई मेरे साथ में बैठा है, इनका का पूरा वीजा मिस प्रिंट होकर आ रखा है, और ये भाई इनका भाई इस भाई का बीआरपी के अंदर नो वर्क है, और एक पीछे मेरे साथ लड़का बैठा है उसका बीआरपी में नाम गलत है। तो बीआरपी में मिस करेक्शन यूके के अंदर आज के टाइम पे मतलब ये मान के चलो कि आम ही हो गया, कि क्योंकि वीज़ा रश इतना ज़्यादा है कि मिस करेक्शन होना यहाँ पे लाजमी है। और दिक्कतें कितनी आ रही हैं वो आपको मैं भाई से बता देता हूँ कि भाई मेरे को एक बात बताओ, आपका जो मिस करेक्शन हुआ आपका तो पूरा का पूरा वीज़ा ही मिस प्रिंट हो गया रखा है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है? उसमें ये मेन मतलब कि जो वीज़ा में प्रिंट होता है वो हाँ। सारा कुछ सेम होता है, बट जैसे मतलब कि जो डेट होती है वो उनकी बढ़ा के दी है। जैसे मतलब कि बाकी जो स्टूडेंट का होता है वो 3 मंथ का होता है, और मेरा यहाँ पे उन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा दिया। तो जब मतलब कि अब मैं बीआरपी के लिए इशू करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मतलब कि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका 6 मंथ से कम वीज़ा है, तो इसके करके वो मेरे को वैलिड नहीं कर रहे कि मतलब कि तुम्हारा वीज़ा मतलब कि स्टडी 6 मंथ की, जबकि हम कास्ट का फोटो भी भेजते हैं तो भी बोलते हैं कि मतलब कि नहीं हम नहीं आपको इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपको आगे से मेल। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, सारा कुछ आपने कैश वगैरह सब कुछ टाइम से प्रोवाइड कर रखा है। बट दिक्कत क्या है कि जो यहाँ के एम्बेसीज होती हैं उसकी गलती की वजह से इस भाई को भुगतना पड़ रहा है, जो पूरा का पूरा हर जाना है। अब इनको वो लोग बीआरपी इशू नहीं कर रहे हैं, अब इनको क्या है कि पूरा ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स हैं इनके, नॉन में एक लड़की और भी है जिनके पूरा का पूरा सेम सिस्टम हो रखा है, उनको भी मेल आई है कि आपको बीआरपी इशू नहीं होगा क्योंकि वो जो वीज़ा मिस प्रिंट होके आया उसकी वजह से। तो इसका भाई समाधान आपने कहीं बात बात की, इसका क्या समाधान होगा? मतलब कि मैंने यहाँ पे इंटर्स यूनिवर्सिटी से बात की, वो बोलते हैं कि हम वीज़ा एडवाइज़र से बात करवाएंगे, वो करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आप वहाँ पे फॉर्म मिला है फिर उसको फिल करो। हम फॉर्म तब फिल करेंगे जब उसमें ऑप्शन होगी कि ये वाले कि आपकी मिस्टेक है, बट आगे हम मतलब कि उसमें फॉर्म है ही नहीं है तो फिर आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम मेल भी भेज दें वहाँ पे, मतलब कि जैसे जो भी इशू होती है मेल्स उसमें जितनी मर्जी आप ईमेल कर दो, वही रीज़न एक ही आता है कि आपका 6 मंथ कम है तो आपको नहीं होगा वीज़ा, नहीं बीआरपी नहीं मिलेगा। और भाई बीआरपी नहीं मिला तो आप ना तो यहाँ पे काम कर सकते हो, ना बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब जितने भी आपके सारे के सारे काम होते हैं वो सब के सब बीआरपी से अटैच होते हैं। और बीआरपी नहीं तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक तरीके से कुछ टाइम बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म होगा तो आप इलीगल हो जाएंगे। तो आप जब यूनिवर्सिटी के पास गए, जब यहाँ के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास गए तो उन्होंने बताया कि मेल वेल डालो, तो उसका भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक, है ना? और जब उन्होंने वैसे भी बोला, कहते कि जब तक आपका मतलब कि स्टडी चल रही है तब तक आपका वीज़ा वो चलेगा पासपोर्ट, उन्होंने कोई मतलब कि आगे से पूछा नहीं कि मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब कि आपका जब तक स्टडी है तब तक आप अपना वीज़ा चलाते रहो, जो मर्जी करते रहो, बाकी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स, कहते मैंने कहा बीआरपी मिलेगा, कहते नहीं बीआरपी नहीं मिलेगा, बिना बीआरपी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक तरीके से कुछ टाइम बाद इलीगल हो जाओगे। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या होता है कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं इन भाई से बात कर रहा था, मैंने बातचीत की है क्योंकि 2020 में एक स्टूडेंट आई थी यहाँ पे, तो उनका भी सेम प्रॉब्लम था, उनका भी वीज़ा मिस प्रिंट होके आया था। तो उन्होंने सोल्यूशन बताया कि आपको इसके लिए जो एरिया की मेयर होती है, जैसे अभी यूनिवर्सिटी लुटन के अंदर है तो लुटन की जो मेयर होगी आप उनसे जाके बातचीत करो, उनसे अपॉइंटमेंट लो, तो वो इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकती हैं। और जो होम ऑफिस की मेल होती है वो मेल मैं आपको इसके अंदर डाल दूंगा डिस्प्ले पे, आपको वो मेल देख लेना, आप उन पे बातचीत कर सकते हैं। पर ये पूरा प्रोसेस बहुत भाई बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कम से कम इसमें 28 से 30 दिन लग जाएंगे पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर इस वीज़ा को मतलब कि जो आपका बीआरपी प्रिंट हो गया आने में, उसमें भी पता नहीं अभी होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद में क्या कर सकते हो कि आप जो इमिग्रेशन लॉयर होते हैं आप उनकी सलाह ले सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं वो खुद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं, बट वो उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं भाई, यहाँ पे के घंटे के बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं तो भाई डिपेंडेंट वीज़ा पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बीआरपी में ये लोग नो वर्क लिख के भेज देते हैं। भाई के साथ में सेम प्रॉब्लम है, भाई हरियाणा के सिरसा से हैं, और जो मेरे साथ पहले भाई था वो जलंधर से था पंजाब के, तो इनके बीआरपी में नो वर्क लिख के आए। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि जैसे नो वर्क लिख है तो आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं कि मतलब आपने मेल वगैरह डाली है? काफ़ी बार मेल डाल रखी, कोई रिस्पॉन्स आया? कुछ भी नहीं, नो रिस्पॉन्स। तो यार इसके अगर इन केस में आपके भी बीआरपी में मिस करेक्शन है, आपका नाम में मिस करेक्शन है, आपका वीज़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो उसके मैं सॉल्यूशंस बताता हूँ। उसके सॉल्यूशंस क्या है कि इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो अगर आपको बीआरपी मिल जाता है विद मतलब कि जो मिस करेक्शन होती है उसके साथ में, और एक होता है कि अगर आपको बीआरपी नहीं मिला
तो इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपको बीआरपी मिल जाता है इन केस में, मतलब आपको बीआरपी का नंबर मिल गया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो यूकेवीआई की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके और जो उसका सॉल्यूशन है वो आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं कि आप उस पर जाके आपका नेम करेक्शन है या आपका टाइमिंग का इशू है, आपका डेट का इशू है, तो आप उस पर जाके टिक करके वो सॉल्यूशन करके पूरा का पूरा मेंशन करके आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें आपका 25 to 28 डेज के अंदर आपका वीज़ा प्रिंट होकर आपके घर में आ जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप है जब आप अप्लाई करने जाते हो बीआरपी में, जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी मिस करेक्शन है, तो उसमें सबसे पहले पूछेगा कि आपने वेयर डिड यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, तो देन आपको यूके सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आपको ऑप्शंस देगा कि आपके जो बीआरपी है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, नेशनलिटी गलत है, फोटोग्राफ कंडीशन, इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि या तो नाम गलत होता है और या फिर बीआरपी डजंट वर्क होता है और या फिर नेशनलिटी भी इशू कर सकती है। तो मैं मान के चलो कि जो गिवन नेम है मैं उस पर टिक कर देता हूँ, तो इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो जैसे मैंने डाला कि रोहित और रोहित, क्योंकि मैं लास्ट नेम यूज़ नहीं करता, तो फिर मैं रोहित जो मेरा फर्स्ट नेम है उसको मैं लास्ट नेम यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर मैं देन इसको कंटिन्यू करता हूँ एंड देन फिर ये एड्रेस पूछते हैं कि योर एड्रेस द सेम एड्रेस ऑन द डिलीवरी लेटर, तो मैं यस कर दूंगा क्योंकि फिर नहीं तो मुझे नया एड्रेस डालना पड़ेगा। तो देन इसको कंटिन्यू कर देते हैं। देन ये मुझसे पूरा नाम पूछेगा, एक्स वाई जेड, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। देन कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, बीआरपी नंबर कुछ भी डाल दीजिए, आर जेड, यही मैं सेम डाल देता हूँ क्योंकि मैं अपना नंबर तो डालूंगा नहीं इसमें। तो मैं फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस और पूछेगा, तो कुछ भी हो सकता है ईमेल एड्रेस, है ना, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दीजिए, आई वांट टू बी कॉन्टेक्टेड। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग नेम और एक्स वाई जेड पूरी डिटेल्स इसमें आप डाल दीजिए। बिल्डिंग नेम कुछ भी डाल देता हूँ, 45B स्ट्रीट कुछ भी डाल दीजिए, पार्क स्ट्रीट टाउन डाल दीजिए कुछ भी इसके अंदर, स्लो डाल देता हूँ मैं, कंट्री ऑप्शनल है छोड़ दीजिए, पोस्ट कोड डाल देता हूँ कुछ भी, LU18JL एंड देन कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फिर ये पूछेगा कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है, गिवन नेम है, फुल नेम है, नेशनलिटी, एक्स वाई जेड, तो आर यू कम्प्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द वीआरपी होल्डर। तो इसमें ये होता है कि मतलब ये वही पूछ रहा है कि जो आप फॉर्म भर रहे हो, जो बीआरपी है उसके भर रहे हो या खुद से भर रहे हो, तो खुद से भर रहे हैं तो इसको नो कर देंगे, तो देन इसको सेंड कर देंगे और फिर ये आप आ जाएगा कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्टेप ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि जिन बच्चों को बीआरपी नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत उनको आती है जिनको बीआरपी नहीं मिलता। तो देन इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जब पोस्ट ऑफिस बीआरपी लेने जाते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट बीआरपी का नंबर दे दो ताकि आप आगे का प्रोसेस कर सको। अगर आपको तब भी वो लोग नंबर नहीं देते तो आपको क्या करना है कि एक चार ईमेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, होम ऑफिस की ईमेल्स हैं, मैं वो डिस्प्ले में मेंशन कर देता हूँ। देन आपको उन पर क्लिक करना है, आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम उसमें डालनी है कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और आपको उसमें लिखना क्या है मैं वो चीज़ भी बता देता हूँ। आपको हर रोज एक मेल डालनी है उसके अंदर जो आपके राइट्स हैं, आप विदाउट बीआरपी ना तो आप बैंक ओपन कर पा रहे हो और ना ही आप कहीं काम कर पा रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको मतलब काम नहीं कर पा रहे हो, आपको पैसे की दिक्कत है, तो आपके जो फंड वगैरह शो किए हैं तो आपको उस चीज़ की तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन दैट केस आप यू कैन से कि आपका जो कैरियर गैप है, आप जो मतलब यहाँ पे लर्निंग स्किल्स के लिए आए हैं, जो आप काम करोगे आप उस पर एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो आप ये बहुत वैलिड पॉइंट उसके अंदर डाल सकते हैं कि आप यहाँ पे काम करके जो स्किल्स है वो लर्न करेंगे तो उसके लिए आपको बीआरपी चाहिए। आप बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे तो उसके लिए भी आपको बीआरपी चाहिए। आप अगर कहीं फ्लैट अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको एज ए प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए बीआरपी मांगेंगे। तो बीआरपी बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है यहाँ पे उस चीज़ के लिए। तो इनके सॉल्यूशंस यही होते हैं कि यूकेवीआई की गवर्नमेंट पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है कि आप मेल डालते रहो, रेगुलर उनके टच में रहो, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है पूरा का पूरा।